राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री और रेल मंत्री की मौजूदगी में भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने रसद संचालन में गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय वायु सेना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते देख रहे हैं। मेरा मानना है कि रक्षा क्षेत्र के लिए ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद हमारे सशक्त बल और रसद विशेषज्ञ एक साथ काम करेंगे। हमारा लक्ष्य भविष्य में अपने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। ये समझौता ज्ञापन हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय सेना एवं भारतीय वायुसेना के बीच हो रहे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हम साक्षी बन रहे हैं। और मैं मानता हूं कि हमारे डिफेंस के लिए ये कई मायनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी आर्म फोर्सेस और लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर इस एमओयू के बाद काम करने वाले हैं। साथियों, जब हम अपने आसपास की दुनिया देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अब लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन नहीं रह गया है, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस के मामले में तथा नेशनल सिक्योरिटी के मामले में लॉजिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में उभर रहा है। एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम्स हमारी सेनाओं को क्विकली मोबिलाइज करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रिसोर्सेज को कम समय में सही स्थान तक पहुंचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और हम सब जानते हैं कि हमारी सेनाएं जिन परिस्थितियों में काम करती हैं उसे ध्यान में रखते हुए हमें ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स और सप्लाईज की सीमलेस मूवमेंट की भी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। हमारी सेनाओं की जरूरतों को नॉलेज, इनोवेशन और कोलेबरेशन के माध्यम से कैसे और बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में मैं मानता हूं यह समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हमारा यह ध्येय है कि भविष्य में हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर हो। यह एमयू हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगा। जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस आत्मनिर्भरता से हमारा आशय यह होता है कि हमारी सेनाओं की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति हमारे खुद के साधनों से हो। जैसे यदि हम लॉजिस्टिक्स के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है तो उसकी ट्रेनिंग हमें हमारे अपने गति शक्ति विश्वविद्यालय से ही मिले। यदि हमें इक्विपमेंट चाहिए तो वह भी हमें भारत की इंडस्ट्री द्वारा ही निर्मित किए हुए मिले। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक सशक्त भारत की नींव आत्मनिर्भर होकर ही रखी जा सकती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह समझौता इस दिशा में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। मैं देख रहा था कि इस एमओयू में एक और विशेष बात है कि इसमें एक्सपेरियंशियल लर्निंग की भी बात की गई है, उसको भी शामिल किया गया है। अर्थात हमारी सेनाओं द्वारा लीडरशिप, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट संबंधित जिन चैलेंजेस का सामना किया जाता है उनसे निपटने के लिए इस एमओयू में रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के माध्यम से एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी प्राविधान है। और हमारी आर्म फोर्सेज की लीडरशिप, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस का लाभ उठाकर गति शक्ति विश्वविद्यालय लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स की एक नई पीढ़ी को आकार देने में मदद करेगा, जो मॉडर्न वॉरफेयर की डायनेमिक नीड्स को भी वो फुलफिल कर पाएंगे। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा देश पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर कार्य कर रहा है, उस दौर में गति शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा लॉजिस्टिक्स को लेकर सेनाओं के साथ हुआ यह समझौता पूरी तरह से हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ मेल खाता है। और यह एमयू हमें विचारों के निरंतर आदान प्रदान के लिए एक मंच भी देता है, जिससे हमें ऐसा लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी जो वर्ल्ड क्लास होने के साथ साथ फ्यूचर प्रूफ भी होगा।